70 के दशक की क्लासिक बीटल दिल्ली की सड़कों पर। हैरान मत होइए, ये किसी विंटेज कार रैली का हिस्सा नहीं, बल्कि अगर आपके पास भी ऐसी क्लासिक गाड़ियां हैं तो आप उनका आम इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको इसको रेट्रोफिट कराना होगा। 6 फरवरी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और डाक विभाग के सहयोग से रेट्रोफिट क्लासिक बीटल कार की प्रधान डाकघर से आईआईटी दिल्ली तक विशेष ड्राइव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलेक्ट्रिक इंजन फिटेड ये पहली क्लासिक बीटल कार है। इस मौके पर डाक विभाग की ओर से एक विशेष लिफाफा भी जारी किया गया। क्लासिक कारों का ये परिवर्तन न सिर्फ लोगों को ऐतिहासिक कारों को चलाने का अनुभव देगा, बल्कि वायु प्रदूषण जैसी समस्या को भी कम करेगा। What IIT Delhi is doing is to promote an activity. हम अपने स्टार्टअप के द्वारा इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी कार जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है, बहुत कम लागत में रेट्रोफिटिंग द्वारा इलेक्ट्रिक कार में बदली जा सकती है, ताकि उनका सड़कों पर आम इस्तेमाल किया जा सके। अब बहुत सारे लोग अपनी पुरानी मर्सिडीज या उससे भी ज्यादा पुरानी कारों को रेट्रोफिट कराना चाहते हैं। IIT दिल्ली इन पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का काम कर रही है। असल में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए एक अवधि के बाद पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। खासकर पुरानी क्लासिक कारें कभी कभी ही किसी विंटेज कार रैली जैसे आयोजनों में देखने को मिलती हैं। अपनी स्टार्टअप कंपनी चला रहे इंजीनियर मोहम्मद जवाद खान ने IIT दिल्ली के स्वच्छ वायु पर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र CERCA की मदद से पुरानी कारों में मूल परिवर्तन किए बगैर उनके इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने की तकनीक पर काम किया और इस तरह ये बीटल कार तैयार की गई। इस रेट्रोफिटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए सभी घटक पूरी तरह स्वदेशी हैं, जो इस तकनीक को मेक इन इंडिया से जोड़ते हैं। मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी कि गाड़ी के पार्ट्स को छेड़ने की नहीं, तो एक ये भी चैलेंज था क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज था कि इसमें क्या सिस्टम लगाए। मैंने इसमें सब सिर्फ इंजन निकाला है और बाकी अपने EV कंपोनेंट्स अंदर डाले हैं, बैटरी रेगुलेशन सारा, BMS कंट्रोलर, थ्रॉटल कन्वर्टर, ऐसे ऐसे पार्ट्स यूज़ किए हैं, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन थे कि हम इसमें बहुत सारी मोटर्स, जैसे हम बड़ी कार्स की बात करें इंडक्शन मोटर, PMDC मोटर, ऐसे ऐसी बहुत सारी मोटर्स हैं, लेकिन सर हमें गाड़ी के हिसाब से हमें रिलायबल चीज़ों की तरफ जाना था, ताकि अगर हम कल लार्ज स्केल पे भी करें इस चीज़ को, तो कमर्शियल स्केल पे भी करने के बाद हम इसमें ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें, ताकि हम मेक इन इंडिया, वो है ना आत्मनिर्भर भारत, तो उसके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर सकें। CERCA IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित इस रेट्रोफिटिंग तकनीक में ध्यान रखा गया है कि क्लासिक वाहनों का लुक और प्रणाली वैसी की वैसी ही रहे, ताकि चलाने वालों को वही अनुभव मिले। युवा इंजीनियर की इस सोच से अब धरोहर मानी जाने वाली कारें या पुराने वाहन सड़कों पर एक बार फिर नजर आ सकते हैं।